नमस्कार मित्रों, नमस्कार दोस्तों, भाइयों, बहनों, चाचा चाचियों, पूरे परिवार, पूरे शहर सबके लिए मेरा नमस्कार। मैं आपका जाना पहचाना दोस्त सुदामा प्रसाद रैखवा ललितपुर यूपी से हूँ, और हमारे यहाँ टॉयलेट की कितनी इस समय ज़बरदस्त मांग चल रही है, तो इसलिए हमारे मोदी जी का कुछ टुक सुन लीजिए, वो क्या कहते हैं टॉयलेट के लिए। बहनों भाइयों नमस्कार, मुझे जब पता चला कि गांव में कुछ कुंवारे लड़कों की शादी इसलिए टूट गई क्योंकि उनके घर टॉयलेट नहीं था, तो मुझे इस बात का बहुत दुख हुआ, क्योंकि आप जानते हैं कुंवारे होने का दुख, आप जान गए होंगे कि किसको हो सकता है सबसे ज़्यादा कुंवारे होने का दुख। मुझे याद भी याद है जब हमारे कई नेताओं की शादियाँ इसी वजह से टूट गई क्योंकि उनके घर टॉयलेट नहीं था, और मेरे विपक्षियों ने इस बात को इतना जी भर के उछाला कि आज अगर मंगनी होती है किसी की तो आदमी कहते हैं कि भाई आपके घर टॉयलेट है कि नहीं है। मैं जब पुराने समय में चुनाव प्रचार में जाता था तो हमारे कुछ नेता छुप छुप के जाते थे झाड़ियों में, और कैमरामैन मीडिया वाले बहुत ही बदतमीज किस्म के होते हैं, वो उनका पीछा वहाँ भी नहीं छोड़ते थे और उनके पीछे से खिचिक कर ही लेते थे, और वो मुझसे आके रोना रोते थे कि मोदी जी देखिए उसने मेरे पीछे से फोटो निकाल ली। तो मैं कहता था कि मेरा समय आने दो, ये ऐसे ही हाथ मारते रह जाएंगे और मैं ऐसे योजना चलाऊंगा कि आप लोगों के मुँह के साथ साथ कुछ और भी सुरक्षित कर दूंगा जहां मीडिया की नज़र नहीं लग सकती। आप लोग समझदार हैं, आप 10-10 हज़ार 15 हज़ार का मोबाइल चला सकते हैं, क्या एक टॉयलेट नहीं बनवा सकते क्या? ज़रा जवाब दीजिएगा भाइयों बहनों। आज आप अगर पति नंबर वन बनना चाहते हैं तो पति नंबर वन बनना है ना, तो करवा लीजिए, आज ही करवा लीजिए। मेरा कहने का मतलब वो नहीं है, टॉयलेट बनवा लीजिए, जी हाँ टॉयलेट बनवा लीजिए, और अपनी पत्नी को एक प्यार सा गिफ्ट दीजिए। गिफ्ट साड़ी नहीं, जेवर नहीं, एक टॉयलेट। जी हाँ, मैं देखता हूँ कि बहुत से लफंगे औरतों को सोच जाते समय कितना छेड़ते हैं देखते हैं, लेकिन मैंने सोच लिया था कि मैं लफंगों की नज़र पे चश्मा लगवा दूंगा, चश्मे से कुछ नहीं होगा, टॉयलेट ही बनवानी पड़ेगी। इसलिए हमारी याद तो किसी सरकार को नहीं आई, और कुंवारों से भरमार हो गई हमारी पार्टी में, कुंवारे ही कुंवारे घुस गए, लेकिन मैं भारत के किसी भी शख्स को यहाँ से लेकर वहाँ तक किसी को कुंवारा नहीं छोड़ सकता, टॉयलेट बनवाऊंगा सबके घर। तो भाइयों आज ही आप अपने नगर पालिका में जाइए और शौचालय का फार्म भर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।